लेफ़्ट हैंड से उसको होल्ड किया जाता है टाइटली उसके बाद हम स्मॉल small... इंसीजन देते हैं वी मेक ए स्मॉल इंसीजन विद द हेल्प ऑफ स्काल्पल बाय यूजिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड से पकर, पकड़ पकड़ते हैं इसको होल्ड करते हैं ब्रेस्ट मास को और राइट right हैंड से इसको स्काल्पल uh, को पकड़ के इस पर एक छोटा सा इंसीजन देते हैं वी मेक ए इंसीजन और द ब्रेस्ट मास आफ्टर मेकिंग द इंसीजन और द ब्रेस्ट मास ए स्मॉल टिश्यू इज टेकन जब हमने ब्रेस्ट मास पे इंसीजन दिया थोड़ा सा एक्सपोज किया इंसीजन थोड़ा सा वोड को एक्सपोज किया और वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू हम लेते हैं वी टेक ए स्मॉल टिश्यू फ्रॉम द मैस आफ्टर टेकिंग द स्मॉल टिश्यू आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्मॉल टिश्यू फ्रॉम द मैस इट इज सेंड फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और जो उस टिश्यू को उठाया जाता है उसको हम सेंड करते हैं उसको हम भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ़ सेल ये जो ग्रोथ है हमें अब इस पर डिटेक्शन करना है ये जो ग्रोथ है ये किस किस्म की है इसका नेचर क्या है ये मले ग्नेंट ग्रोथ है बिनाइन ग्रोथ है फेब्राइड है एडिनोमा है ये सारी चीजें हमें डिटेक्ट होती है बाय द ब्रेस्ट बायोप्सी। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सीजनल बायोप्सी स्टूडेंट्स व्हाट इज एक्सीजनल बायोप्सी? एक्सीजनल बायोप्सी एक्सीजनल बायोप्सी it is a technique it is a surgical technique in which whole of the breast mass is to be removed स्टूडेंट्स ये वो टेक्निक है सेम इसमें भी हम बायोप्सी लेते हैं वी टेक ए बायोप्सी फ्रॉम द ब्रेस्ट बट द थिंग इज़ जितना भी हमें ब्रेस्ट मास नज़र आता है डिटक्शन के बाद जब मेमोग्राफी होती है पेशेंट की उसके बाद पता चलता है ये जो ब्रेस्ट मास है ये कहाँ तक है कितना बड़ा है इसकी पूरी विजुअलाइजेशन होती है ये कितना ग्रोथ है कितना अनवॉन्टिड ग्रोथ बना हुआ है ग्रो हुआ है ब्रेस्ट में तो इस पूरे ग्रोथ को हटाया जाता है जितनी भी ये ग्रोथ होती है है इसमें हम थोड़ा सा लिजन नहीं उठाते या थोड़ा सा टिश्यू नहीं उठाते इनसीजनल बायोप्सी में हम थोड़ा सा टिश्यू लेते थे ग्रोथ से लेकिन इसमें हम क्या करते हैं एक्सीजनल में इसमें हम पूरा ग्रोथ जो है इसको एक्साइज आउट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सीजनल बायोप्सी एक्सीजनल बायोप्सी इज अ टेक्निक इन विच वी टेक वी रिमूव होल ऑफ द ब्रेस्ट मास होल ऑफ़ द ब्रेस्ट मैस ब्रेस्ट में जो ये मैस क्रिएट होता है ये मैस ग्रो हुआ होता है इस पूरे मैस को हम उठाकर इसको हिस्टोपेथोलॉजिकल एग्जामेशन के लिए लिया जाता है दैट इज़ नोन एज़ एक्सीजनल बायोपसी अब एक्सीजनल बायोपसी जो है इसमें हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं कंफर्टेबल पोजिशन देते हैं प्रसर्जिकल स्किन वॉश होता है और ड्रेपिंग होता है उसके बाद हम एक इंसीजन देते हैं